Hey guys, welcome back to my channel. I'm Akanksha and today I'm here with another video. और आज की वीडियो होने वाली है थोड़ी सी स्पेशल, बिकॉज मेरे इस चैनल पे ये मेरी फर्स्ट वीडियो होगी जो कि होगी एक स्लीपवेयर एंड लाउंजवेयर वीडियो. एंड जैसे कि समर्स आ रहा है एंड मेरा बिल्कुल भी प्लान नहीं था ये वीडियो बनाने का, बट मैंने अभी अपने लिए रिसेंटली परचेज किए हुए थे कुछ समर के लिए, स्पेशली स्लीप वेयर, लाउंज वेयर, डेली यूज़ के लिए, यू नो, रात के लिए पहनने के लिए, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होने लगी है यहाँ पे. सो आई थॉट अगर मुझे रिक्वायर्ड है, मेरी फ्रेंड्स को भी रिक्वायर्ड था, तो सभी को रिक्वायर्ड होगा. सो मैंने सोचा कि अगर मैंने शॉपिंग की ही है, ये चीज़ें अपने लिए मंगाई है, सो वाई नॉट शेयर विद यू. सो अगर आपको कुछ यूज़फुल लगता है, कुछ हेल्पफुल लगता है, तो आप कोई परचेज कर सकते हो. एंड राइट नाउ ऑफर्स भी चल रहे हैं मैक्स में भी, मिंत्रा में भी. सो आज का जो कलेक्शन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये बहुत ही वाव और ऑसम कलेक्शन है और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में है, बिकॉज आज का जो कलेक्शन स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है ₹200 से. सो आज के इस वीडियो में जो भी कलेक्शन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये सारा ही कलेक्शन आपको मैक्स की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, एज वेल एज आपको मिंत्रा पे भी मिल जाएगा. मिंत्रा पे भी ऑफ चला है, मिंत्रा पे शुरू हो चुकी है सेल 1st to 3rd April तक. सो ये सेल शुरू हो रही है आज यानी 1st of April से. कल जब आपको ये वीडियो मिलेगी 2nd of April को, ये सेल ऑलरेडी चल रही होगी, 3rd of April तक वैलिड है. सो आप इन सारे प्रोडक्ट्स को मिंत्रा के थ्रू परचेज कर सकते हो, एज वेल एज आप चाहो तो मैक्स की वेबसाइट से और मैक्स के स्टोर से भी आप इन्हें परचेज कर सकते हो. मैक्स में भी ऑलरेडी ऑफ चल रहा है, आप मैक्स के वेबसाइट पर जाकर के चेक कर सकते हो. ये सारा कलेक्शन आपको मिंत्रा एंड मैक्स दोनों ही जगह मिल जाएगा, इवन आपको मैक्स के स्टोर पर मिल जाएगा. एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, दिस इज द लेटेस्ट कलेक्शन. जो अभी न्यू कलेक्शन आया हुआ है वो ही कलेक्शन है ये. एंड ये नॉर्मल टू प्लस साइज में अवेलेबल है. सो यू गोना लव दिस कलेक्शन. सो विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं इस वीडियो को. और उसके पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप ये कंटेंट देखते हो, आप मेरे वीडियोज देखते हो, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो. और अगर ऐसा ही कंटेंट देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के ही साथ आपको हिट करना है बेल आइकन, सो दैट आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे आगे आने वाली सारी वीडियोस के. सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर भी लिया है तो भी बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दो गाइस, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहे. सो विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करती हूँ मैं वीडियो को और शेयर करती हूँ आपके साथ आज का ये कलेक्शन. सो गाइज, आज के इस कलेक्शन में आपको दो तरीके के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, एक आफ्टर वॉश है और कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो बिफोर वॉश है, यानी कुछ प्रोडक्ट्स जो मैंने अभी तक यूज़ नहीं किए हैं. इनमें से दो प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी मैं एक बार वॉश कर चुकी हूँ, एक बार वॉश किया था एंड देन सडनली मेरे को आइडिया आया कि नहीं चलो मैं शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ ये वीडियो. तो सबसे पहला कलेक्शन जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है एक कैप्री पैंट, जो कि 100% कॉटन मटेरियल की है, बट इट्स नॉट प्योर कॉटन. आई मीन ये आपको वैसा वाला कॉटन नहीं मिलेगा जैसे मैंने कुर्ती पहनी हुई है, यू नो, कॉटन का कपड़ा जैसे कुर्तियाँ वगैरह आती हैं, इट्स अ होजरी कॉटन. सो मी शो यू, इस तरीके की पैंट आएगी. मैक्स में आपको इन कलेक्शंस में जो आपको मैक्सिमम साइज मिलेगा दैट इज डबल एक्सल, एंड फॉर मी डबल एक्सल वॉज फाइन. आप देख सकते हो ये डबल एक्सल है एंड इस तरीके का बहुत प्यारा सा प्रिंट है. ये कैप्री पैंट है, इसका ट्राई ऑन मैं शेयर कर दूंगी. एंड वन मोर थिंग, आफ्टर वॉश रिव्यू है इस कैप्री पैंट का, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये कैप्री पैंट जब आप फर्स्ट वॉश करोगे तो ये हल्का सा कलर इसका आएगा, उतरेगा, बट वैसा कलर नहीं होगा जैसा यूजुअली कपड़ों से, यू नो, फैब्रिक से बहुत सारा कलर आता है, वो दूसरों कपड़ों पे लग जाता है और कपड़े ख़राब हो जाते हैं. बहुत लाइट सा कलर आएगा और उसको जब आप निचोड़ोगे तो फिर वो नॉर्मल हो जाएगा, दूसरों कपड़ों में भी नहीं आता. बट आई प्रिफर कि आप उसको सेपरेट वॉश करो, सेपरेट रखो एंड देन आप ड्राई के लिए डालो. एंड मेक श्योर कि ये सारे कपड़े जो भी हैं, जो भी स्लीप वेयर, लाउंज वेयर, जो भी कॉटन के इस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं, इस फैब्रिक के प्रोडक्ट्स हैं, इनको आप अंडर शेड ड्राई करो डायरेक्ट. अगर आप सनलाइट में ड्राई करोगे और सीधा करके, यू नो, ड्राई करोगे तो इनका कलर चला जाएगा, चाहे वो किसी भी ब्रांड के हैं. तो आप हमेशा इनको शेड ड्राई करिए और कपड़ों को उल्टा करके ड्राई करिए. सो ये कैप्री जो मैंने परचेज की थी, ये स्लीपवेयर, ये था 449 rupees का. आई एम शोइंग यू द टैग ऑल्सो, दिस इज 449.
वेस्ट कैपरी है ये आपको मिंत्रा की वेबसाइट पे एज वेल एज मैक्स पे भी मिल जाएगा। अगर मुझे मैक्स का, मेरे पास मिंत्रा का लिंक है, मैक्स का भी आई ट्राई कि मैं ढूंढ के आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूं, तो आपको दोनों ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो गाइज, ये जो भी कैप्रियो टी शर्ट्स मैं आपको दिखाऊंगी, इनमें बहुत सारे डिजाइन और कलर्स अवेलेबल हैं, सो वो भी आप चेक कर सकते हो। इट्स नॉट नेसेसरी कि जो मैंने लिया वैसा ही कुछ आपको लेना है, सो ऑल अप टू यू। आप अगर चाहो तो स्टोर पे भी विजिट कर सकते हो। सो दूसरी कैप्री जो मैंने ली है वो है ये सी ग्रीन कलर की कैप्री। वैसे भी गर्मियों में थोड़े लाइट कलर ही पहनने चाहिए, गर्मी कम लगती है, हीट कम एब्जॉर्ब करता है कपड़ा। ये भी डबल एक्सल वेस्ट है। मेरी वेस्ट जो यूजुअली लगती है जीन्स के अकॉर्डिंगली, मैं आपको बता दूँ 36 या 38 लगती है, उसके अकॉर्डिंगली दिस इज़ द परफेक्ट फिट। अगर आप 38 वेस्ट पहनते हो या 40 वेस्ट भी पहनते हो तो भी आपको आराम से आ जाएगी। सो ये दोनों ही कैप्रे 449 रुपीज़ ईच था, यानी 449 रुपीज़ में 449 रुपये की एक कैप्री थी, एंड क्वालिटी के अकॉर्डिंग इट्स वर्थ बाइंग। सो नेक्स्ट जो मैं आपको टी शर्ट दिखा रही हूँ, इट्स ये एक लाइट ग्रीन कलर की प्लेन टी शर्ट है, जहाँ पर नेक में बहुत हल्का सा आई डोंट नो इट्स मोती या जो भी है, लेस है जो भी है, ये लगा हुआ है। ये भी मैं एक बार वॉश कर चुकी हूँ, एक बार मैंने इसको पहना था। सो ये प्लेन टी शर्ट मिलेगी, आप देख सकते हो इसका साइज है डबल एक्सल एंड 18। सो अगर आप 46 बस साइज पहनते हो या फिर ब्रांडेड में यू नो 4XL कुर्तियाँ पहनते हो, नॉन ब्रांडेड में 5XL भी पहनते हो, तो भी ये आपको आराम से आ जाएगी। और वैसे भी इस कपड़े की यू नो होजरी फैब्रिक की जो भी टी शर्ट्स जो भी कपड़े होते हैं ना, आप जब उसको पहनते हो आफ्टर वन वॉश वो आपका बॉडी शेप ले लेती है, सो नो वरीज। और ये मुझे अच्छा खासा फिट आ रहा था, आई मीन बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि बहुत लूज था, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत यू नो टाइट है, ऐसा कुछ है। बाकी आप ट्राई ऑन में देख लेना। सो ये जो टी शर्ट्स हैं गाइज, ये आपको स्टोर पे या आपको वेबसाइट पे आई थिंक 249 की अवेलेबल हैं, बट स्टोर पे ये आपको 299 की अवेलेबल होंगी। बट एक ऑफर था, अगर आप दो टी शर्ट लेते हो तो वो आपको 100 रुपीज़ कम पे करना पड़ेगा। तो एक टी शर्ट मुझे कॉस्ट की है 249 रुपीज़ की। सो अनदर टी शर्ट इज़ दिस, ये ऊपर की तरफ आपको ये धानी कलर का यू नो ग्रीन मेहंदी ग्रीन कलर का ये मेहंदी ग्रीन कलर मिलेगा ऊपर की तरफ, और नीचे पूरी लाइनिंग है। इस टी शर्ट का लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, बट सेम कलर आपको नहीं मिलेगा, आई थिंक अवेलेबल नहीं है, आप स्टोर पे चेक कर सकते हो। इसका दूसरा कलर है, सी ग्रीन कलर है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। ग्रीन वाली टी शर्ट का लिंक मुझे नहीं मिला, उसका अनदर कलर मुझे मिला हुआ है मैक्स की वेबसाइट पर पिंक कलर का, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। अगर आपको सिमिलर कलर चाहिए तो आप एक बार स्टोर पे विजिट कर लेना, या फिर आप चेक कर सकते हो अमेजोन या फ्लिपकार्ट के साथ में भी। तो गाइज, ये दोनों टी शर्ट मुझे कॉस्ट की थी 249 रुपीज की ईच। अगर हम बात करते हैं क्वालिटी की, तो यू नो टी शर्ट का होजरी का टी शर्ट का भी होजरी का ही कपड़ा है, कॉटन 100% कॉटन है। एंड अगर मैं बात करूं क्वालिटी की, तो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है, समर्स के लिए बहुत अच्छी है, बहुत ही सॉफ्ट। लास्ट टाइम जैसे मैंने कुछ टी शर्ट्स परचेज की थी पैंटालून से लास्ट समर में, तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि मेरी जो टी शर्ट्स थी वो बहुत पतले कपड़े की नहीं थी, वो थोड़ा सा थिक फैब्रिक था, वो भी होजरी था बट थोड़ा थिक था, एंड जैसे सॉलिड टी शर्ट्स होती ना वैसी थी, तो वो पहनने में तो अच्छा था। आई मीन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं होती हैं, ये धुलते धुलते बहुत ज़्यादा फैलता नहीं है वो कपड़ा, बट वो थोड़ा सा मोटा होता है। तो अगर आपको कुछ भी कंफर्टेबल सा चाहिए ना, बहुत लाइट सा वियर करने के लिए, तो आप इस तरीके की टी शर्ट के लिए जा सकते हो। बट अगर आपको जिम वियर के लिए चाहिए या लोअर के साथ टी शर्ट कैरी करने के लिए चाहिए, जैसे आप बाहर भी निकल जा रहे हो शॉपिंग वगैरह करने के लिए, तो आप वैसी टी शर्ट प्रिफर कर सकते हो जो थोड़े से मोटे फैब्रिक की होती है, वो आपको पैंटलून्स में मिल जाएगी। इनफैक्ट अगर आप मैक्स पे ही थोड़ा सा ऊपर के बजट में जाओगे तो सॉलिड टी शर्ट्स भी आपको मिल जाएंगी, जिसपे ऊपर यू नो कंप्यूटर प्रिंट होता है, वैसी टी शर्ट्स। सो अब जो मैं कलेक्शन आपको दिखा रही हूँ, ये वो कपड़े हैं जो आफ्टर वॉश नहीं, जिनको मैंने अभी तक यूज नहीं किया हुआ है, सो लेट मी शो यू। सो गाइज, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि ब्रांड के अकॉर्डिंगली साइज डिफर करता है, सो मुझे मैक्स में डबल एक्सल आ जाता है। अगर मुझे बहुत कंफर्ट या बहुत लूज फिट चाहिए, देन आई विल गो फॉर ट्रिपल एक्सल, अदरवाइज मैक्स में मुझे डबल एक्सल आ जाता है। सो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है ये शॉर्ट्स,
जो मैंने गर्मियों के लिए लिए, होपफुली इट्स क्लियरली विजिबल। ये शॉर्ट्स अगर आप घर में शॉर्ट्स पहनते हो या रात में सोते वक्त शॉर्ट्स डालते हो तो आप जा सकते हो, बहुत ही अच्छी फिटिंग में है। यूजुअली प्लस साइज में शॉर्ट्स नहीं आते हैं अच्छी फिटिंग में। इसके साथ आपको छोटू सी पॉकेट भी मिल जाएगी, बट आई डोंट थिंक सो ये बहुत ज़्यादा किसी यूज़ की, क्योंकि बहुत छोटू सी पॉकेट है। तो ये भी इट्स नॉट 100% कॉटन मटेरियल आई थिंक। सो गाइज, ये जो शॉर्ट्स है ये होजरी मटेरियल नहीं है, होजरी फैब्रिक नहीं मिलेगा इसका, ये कॉटन मिक्स काइंड ऑफ फैब्रिक है। बट गर्मियों के लिए अच्छा है, कंफर्टेबल है, लूज है, बहुत ज़्यादा फिटिंग नहीं आएगा आपको, ये लूज फिट आएगा। तो आप इस तरीके की शॉर्ट्स के लिए जा सकते हो। इसमें बहुत सारे कलर्स और डिज़ाइंस अवेलेबल हैं। एज यू कैन सी, मैंने जो इसमें साइज परचेज किया है विच इज़ डबल एक्सल, एंड ये मैंने परचेज किया हुआ है 449 रुपीज में, एंड अकॉर्डिंग टू क्वालिटी इट्स वर्थ गाइज। सो अगर आप यू नो 38 या 40 वेस्ट पहनते हो तो आप आराम से इसे वेयर कर सकते हो। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने परचेज किया हुआ है वो भी एक शॉर्ट्स है, और ये होजरी फैब्रिक की शॉर्ट्स है, बट इसमें जो साइज मैंने पिक किया हुआ है दैट इज एक्सल। वहाँ पर इस कलर का या इस डिज़ाइन का कोई भी साइज, आई मीन डबल एक्सल में सिर्फ वो रेड शॉर्ट्स अवेलेबल थी, कोई भी शॉर्ट्स अवेलेबल नहीं थी। इसे जब मैंने ट्राई किया ये मुझे परफेक्ट फिट आ गई। सो अगर आप 36 या 38 वेस्ट पहनते हो और फिटिंग की शॉर्ट्स चाहते हो जो कि परफेक्ट फिट आए, ये लूज फिट नहीं आएगी आपको, ये कम ये परफेक्ट फिट आएगी, तो यू कैन गो फॉर एक्सेल ऑल्सो। आप एक्सेल भी चूज कर सकते हो। इसमें बहुत प्यारा सा प्रिंट बना हुआ है, आप देख सकते हो टैडी और रैबिट और जो भी बना हुआ है, एंड यहाँ पर बैक में आपको एक पॉकेट मिलेगी छोटी सी। सो ये भी एक बहुत ही कम्फर्टेबल यू नो शॉर्ट्स थी। सो ये शॉर्ट्स मैंने परचेज की हुई है 399 में, वो शॉर्ट्स थी आई थिंक 499 में, दोनों में आई गेस 100 रुपीज़ का डिफरेंस था। ओके, ये शॉर्ट्स मैंने परचेज की थी 449 में, एंड ये शॉर्ट्स मैंने परचेज की हुई है 399 में, तो ऑलमोस्ट 50 रुपीज़ का डिफरेंस है, बिकॉज दोनों के फैब्रिक में भी थोड़ा सा डिफरेंस है। दिस वन इज़ यू नो होजरी फैब्रिक और वो कॉटन मिक्स था। सो गाइज, नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये एक लॉन्ग टी शर्ट है। इफ़ यू आर कम्फर्टेबल टू वियर तो आप ये सिर्फ टी शर्ट रात में डाल सकते हो, घर में पहन सकते हो। इफ़ यू आर नॉट कम्फर्टेबल तो आप इसको किसी भी कैप्री या लोअर के साथ में वेयर कर सकते हो। ये एक नेवी ब्लू कलर की टी शर्ट है, हाफ स्लीव्स की, एंड ये आपको हाई एंड लो टी शर्ट मिलेगी। आगे का पोर्शन छोटा मिलेगा, पीछे का थोड़ा सा लंबा है, तो ये थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल है। और ये सारा का सारा कलेक्शन एकदम न्यू कलेक्शन है, न्यू सीजन का कलेक्शन है, सो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस वन। तो दिस इज़ द, ये एक नेवी ब्लू कलर का टी शर्ट है, ये मैंने परचेज किया हुआ है डबल एक्सल साइज में। सो इफ़ यू आर इन प्लस साइज यू कैन गो विद दैट, डबल एक्सल आपको आराम से आ जाएगा अगर आपके 46 बस्ट लगता है तो। सो गाइज, दिस इज लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये भी एक बहुत बहुत प्यारी सी टी शर्ट है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड यू नो हर कपड़े का जो साइज़ होता है ना वो डिपेंड करता है कि टी शर्ट भी कभी आपको एक्सल भी आ जाती है, कभी आपको डबल एक्सल भी आ जाती है, डिपेंड्स। आपको कई बार ट्राई करना होता है, अगर आप ऑनलाइन परचेज कर रहे हो तो यू हैव टू चेक द बस्ट साइज। सो मैं हमेशा कहती हूँ बस्ट साइज ज़रूर चेक कर लेना। नाउ आई एम गोना शो दिस टी शर्ट। सो ये एक अनदर ग्रे कलर की टी शर्ट है, इसकी स्टाइल बहुत ही डिफरेंट है। इसमें अंदर इस तरीके के आपको यू नो वन स्टेप मिलेगा, एंड देन साइड साइड में आपको ये स्लीव्स मिलेगी। ये पहनने पर बहुत ज़्यादा स्मार्ट और बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। ये भी एक नया कलेक्शन है मैक्स का, यू कैन से दिस इज़ द लॉन्ग टी शर्ट, नीज लेंथ की टी शर्ट है। इसको आप शॉर्ट्स के साथ, लोअर के साथ, कैप्री के साथ, या इफ़ यू आर कम्फर्टेबल इसको ड्रेस की तरह यू नो शॉर्ट नाइटी की तरह भी आप वियर कर सकते हो। एंड इसमें जो साइज मैंने पिक किया था, सी यू कैन सी, इसमें जो साइज मैंने पिक किया है वो डबल एक्सल है और मुझे बहुत आराम से आ गया था। अगर मैं डबल इसमें जो मैंने साइज पिक किया था वो एक्सल है और मुझे बहुत आराम से आ गया था। अगर मैं डबल एक्सल में जाती तो थोड़ा सा कंफर्ट फिट आता, बट ये मुझे एग्जैक्ट फिट आया था। सो आप खुद देख सकते हो, ये टी शर्ट मैंने एक्सल में परचेज की है, बट ब्लू वाली लॉन्ग टी शर्ट मैंने डबल एक्सल परचेज की है। तो कई बार डिफर करता है, आप बस साइज जरूर चेक कर लो, और मटेरियल पर भी डिफर करता है। इसका भी मटेरियल होजरी है, बट ये थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रिचेबल, थोड़ा सा पतला फैब्रिक है। वो फैब्रिक थोड़ा सा थिक था, थोड़ा सा कम स्ट्रिचेबल था, जैसे सॉलिड टी शर्ट्स होती हैं वैसा।
सो ये अगर आप एक्सल के अलावा यू नो एल साइज एम साइज एस साइज पहनते हो तो आपको बहुत सारी टी शर्ट्स और कलर्स डिज़ाइंस इस स्टाइल की टी शर्ट में मिल जाएंगे जो कि स्टोर में भी अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। पॉकेट वाली टी शर्ट्स अगर आपको चाहिए, जैसे लॉन्ग टी शर्ट्स होती हैं और साइड साइड में पॉकेट होती हैं, तो वो टी शर्ट्स भी अवेलेबल है। वो टी शर्ट गाइज लास्ट टू लास्ट ईयर मैं ले चुकी थी जस्ट पैंडमिक स्टार्ट होने के पहले, बट वो टी शर्ट्स ना थोड़ी सी यू नो मोटी होती है, उसका कपड़ा थोड़ा मोटा होता है, ऊपर से उस पर पॉकेट्स भी लग जाती है तो थोड़ा और मोटा हो जाता है, तो गर्मियों के लिए मुझे उतना कम्फर्टेबल नहीं लगता। ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, ड्यूरेबल बहुत होता है, बट थोड़ा सा मोटा होता है, तो मुझे गर्मियों में लगता है कि नहीं मेरे को थोड़ा पतला फैब्रिक का चाहिए। इफ़ यू आर समवन हु इज़ लुकिंग फॉर कंफर्टेबल वेयरिंग सॉफ्ट कपड़ा, तो आप इस तरीके की टी शर्ट्स के लिए जा सकते हो। प्राइस मैं बता देती हूँ। सो ये टी शर्ट मैंने परचेज की है 599 में, एंड ब्लू वाली टी शर्ट मैंने परचेज की थी यू कैन सी 449 में। सो जब भी आप फैब्रिक का डिफरेंस देखोगे, कंफर्ट का डिफरेंस देखोगे, हमेशा आपको प्राइस थोड़ा सा ऊपर नीचे मिलेगा, बिकॉज जैसा कि मैंने आपको कहा इसका फैब्रिक ग्रे वाली टी शर्ट का फैब्रिक ज़्यादा सॉफ्ट है, पतला है, कंफर्टेबल है, ज़्यादा स्ट्रिचेबल है, सो उसका जो प्राइस है वो ब्लू वाली टी शर्ट से थोड़ा सा ज़्यादा है। सो या गाइज दिस इज़ अबाउट टूडेज कलेक्शन, सो होपफुली ये कलेक्शन आपको पसंद आया होगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगी जिसमें आपको ये कलेक्शन, ये सारा का सारा कलेक्शन का एक प्रॉपर लिंक दे दूंगी जिसमें आपको सारा कलेक्शन एक जगह पर मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा जो डिफरेंट ऑप्शंस होंगे आई विल ट्राई कि मैं वो टी शर्ट्स वगैरह लोअर के डिफरेंट ऑप्शंस भी मेंशन कर दूं, सो दैट आपको सारी चीज़ें एक जगह मिल जाएंगी और यू कैन चेक, अगर आपको कुछ पसंद आता है, इफ़ यू आर फाइंडिंग हेल्पफुल और यूजफुल, सो आप परचेज कर सकते हो। सो आई होप यू आर फाइंडिंग दिस वीडियो हेल्पफुल। सो इफ़ यू आर फाइंडिंग दिस वीडियो हेल्पफुल, आपको पता है क्या करना है, जल्दी जल्दी से सबसे पहले दो काम करो, पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को फटाक से लाइक कर दो, और आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे इसलिए बेल आइकन को हिट कर देना। सो जल्दी जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गर्मियाँ बहुत आ रही हैं बट वेडिंग्स भी आ रही हैं, तो दोनों ही वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, समर स्पेशल भी, वेडिंग स्पेशल भी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब फटाफट से कर देना।